आप लोगों को देखकर शायद पता ही चल गया इस वॉशिंग मशीन का क्या प्रॉब्लम है। आप लोग इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इस वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम है डीसी इरोड, मतलब डोर का, मतलब डोर अच्छे से लगाना है इसलिए डीसी इरोड को आ रहा है, मतलब पीसी भी खराब होने से भी डीसी इरोड को आता है और डोर का सेंसर जो सेंसर होता है ये खराब होने से भी आता है। हम अभी डीसी इरो को ठीक करेंगे, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख के जाओ और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली मेरे वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को डीसी इरो को ठीक करने के लिए फर्स्ट टाइम आप लोगों को पीसीबी खोलकर देखना पड़ेगा, मतलब नया पीसीबी लगाकर देखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो मैं अभी जो पीसीबी का स्क्रू मतलब खोल रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को फुल जानकारी दे दूंगा। मैं अभी जो पीसीबी का कनेक्टर ये खोल रहा हूँ, खोलकर नया पीसीबी लगाकर देखेंगे क्या होता है, आप लोग देखते जाए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली मेरे वीडियो देखने के लिए। ये से फिर हट से पानी लेकर अभी हम इस वॉशिंग मशीन में जो नया पीसीबी है ये लगाएंगे, लगाकर चलाकर देखेंगे आप लोग क्या होता है देखते जाओ। ज़्यादातर पीसीबी ख़राब होने से भी डीसी इरो को रहता है और डोर को अच्छे से लगा नहीं तो फिर से मतलब डीसी इरो को रहता है। आप लोग ध्यान से देखना क्या होता है। मैंने पीसीबी चेंज किया है, मतलब डीसी इरो को ठीक हो गया है, मतलब पूरा वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, मतलब करंट चला गया था। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कुछ जानकारी चाहिए तो और कुछ नॉलेज चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मतलब कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को फुल जानकारी दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।